पटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पांच दिन पहले राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके की फूल मंडी में आरडीएक्स से भरा बैग मिलने के बाद बुधवार सुबह दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक बार फिर हड़कंप मच गया, जब सड़क पर लोगों को दो लवारिस बैग दिखे। बीते हफ्ते गाजीपुर की घटना से सीख लेते हुए स्थानीय लोगों ने त्रिलोकपुरी ब्लॉक 15 के मेट्रो पिलर नंबर 59 के पास पड़े इन दो लवारिस बैगों की सूचना दिल्ली पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाकर पूरे इलाके को घेर चाक चौबंद करते हुए जब बैग की जांच की तो उसमें लैपटॉप, चार्जर और पानी की बोतल मिली। अभी जैसे कि आपने देख ली है, हमारी BDS BDT टीम पहुंच गई और जो हमने इस पे तफ्तीश की उसे पता चल गया है कि देर इज नथिंग सस्पिशियस इन इट। इज अ केस ऑफ बैग लिफ्टिंग, किसी का बैग लिफ्ट हुआ है और वो अभी मौके पर पहुंच जाएंगे और अपनी बिलोंगिंग को क्लेम करते हैं। क्या क्या बैग क्या क्या मिला मैम? एक लैपटॉप है और उनकी पर्सनल बिलोंगिंग है। मैम कोई ID मिली है? कोई ID जिससे पता लगे बैग किसका है? नथिंग, हमें आइडेंटिफाई हो गया किसका बैग है और जो आइडेंटिफाई जिनका हुआ है वो हमारे पास पहुंच रहे हैं। कैसे उनका चोरी हुआ था? हाँ, बैग लिफ्टिंग हुई है। मैम किस किस टीम को कॉल किया गया था? सॉरी, कौन कौन सी टीम कॉल की गई थी? पहले टीम को कॉल किया गया था, किसको कॉल किया गया? जितनी भी एजेंसीज कनेक्टेड है विद सच यू नो मैटर, हम सबको इंटीमेट कर चुके हैं, बट नथिंग सस्पिशियस हैज बीन फाउंड। यानी जिस लवारिस बैग की खबर सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। असल में ये पूरा मामला बैग लिफ्टिंग का निकला, जिसके बाद पुलिस ने बैग में मिले सामान की मदद से व्यक्ति से संपर्क कर बैग सौंप दिया। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ इसी तरह की घटना पांच दिन पहले गाजीपुर इलाके में हुई थी, जहां ठीक इसी तरह एक लवारिस बैग दिखा। लवारिस बैग की सूचना पाते ही जैसे ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और बैग की तलाशी ली तो सारे अधिकारी सन्न रह गए। पूरा बैग बम से भरा हुआ था, जिसके बाद बैग को 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर जब बैग के अंदर मौजूद विस्फोटक को उड़ाया गया तो पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। आसमान में उड़ने वाले तमाम संयंत्रों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, तो वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी साजिश होने के इनपुट भी दिए हैं, जिसके बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में किसी भी जगह अगर आपको कोई लावारिस सामान मिले तो उसे छूने से बचें और उसकी सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।